तो किसी भी डेटा पे पिवोट टेबल लगाने से पहले दो तीन चीजें जाननी चाहिए। सबसे पहले आपको डेटा को समझना है, क्योंकि डेटा को आप एनालाइज कर रहे हैं, सो डेटा के बारे में पता होना चाहिए। तो जो डेटा मेरा है, सिंपल सेल्स का डेटा है कि किस डेट को किस पर्सन ने किस सिटी में कितनी किस प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी और कितने अमाउंट में बेचा है, सिंपल सा। ऊपर इसके बाद क्या है कि आप पिवट टेबल लगाने से पहले डेटा को सिलेक्ट करना है नहीं करना है, वो डिपेंड करता है कि डेटा के ऊपर। अगर डेटा में पूरी की पूरी रो ब्लैंक है इस तरह से, तो फिर सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये कंट्रोल ए के मेथड पे चलता है, तो ब्लैंक से ऊपर के ही डेटा को पिक कर लेगा, नीचे पिक नहीं करेगा। दूसरा, आपका हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिवट टेबल हेडिंग के अकॉर्डिंग ही चलता है। अब मैं इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, पिवट टेबल एंड जस्ट ओके। एक नई सीट में आपके सामने पिवट टेबल आ गया। ये जो आपको दिख रहा है, आपका रिपोर्ट एरिया है, जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, साइड में आपको पिवट टेबल फील्ड्स आएंगे। तो पिवट टेबल फील्ड्स जो आपने इसके अंदर यहाँ पे लगा रखे हैं, इसमें डेटा में आपके हैं, वो जो फील्ड है वो फील्ड आते हैं आपके। लेकिन आप देख रहे हैं मेरे डेटा में कुछ एक्स्ट्रा फील्ड है, वो एक्स्ट्रा फील्ड इसलिए है कि हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, कैलकुलेटेड फील्ड है, इसलिए ये एक्स्ट्रा फील्ड आपको दिख रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा अपने नेम, मुझे क्या चाहिए। अब यहाँ पे डिपेंड आता है कि आपके डेटा से आपको चाहिए क्या। तो बेसिकली मेरे जो डेटा है, इस डेटा में से मुझे ये पता करना है कि किस पर्सन ने कितनी क्वांटिटी और कितना अमाउंट सेल रेवेन्यू जनरेट किया है, सिंपल सा। तो हम नेम को उठा के रखेंगे रो में, रो में रखने के बाद नेम जो है इस तरह से रो वाइज आ जाएगा। उसके बाद मुझे सम करना है क्वांटिटी का, तो जो भी वैल्यू पे कैलकुलेशन होती है सम वाले फील्ड में जाती है। मुझे अमाउंट का भी टोटल करना है तो यहाँ करना है। देखिए यहाँ जो सम है, क्वांटिटी है, वो सम में होकर काउंट हो गया। इसमें हो सकता है कोई नंबर्स वगैरह हो इसलिए काउंट हो गया होगा, तो इसके लिए इसकी वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके इसको हम सम कर देंगे। जी हाँ, साइड में जो एरो के निशान होता है इसी के ऊपर आप वैल्यू फील्ड सेटिंग को देखेंगे, इसी में जाके हम सम को कर दिया, तो फिर ये सम आ गया। अभी रिपोर्ट हमारी बन गई, बट यहाँ पर रोल लेवल दिख रहा है। अब इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, नेम यहाँ पे वैल्यूज के जगह पे मैं कर देता हूँ टोटल सेल्स, हेडिंग दे देता हूँ 2021, और ये आपके सामने आपका रिपोर्ट तैयार है। इसकी फॉर्मेटिंग के लिए आप डिजाइन खुद की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं या डिजाइन की फॉर्मेटिंग ले सकते हैं। तो पिवट टेबल जनरली इस तरह से बनाया जाता है।